स्वागत है दोस्तों। आज मेरे पास 1 GB का GA H81 MS एक ब्लैक एडिशन वाला 1 GB का बोर्ड आया है, जो 4th जनरेशन बोर्ड बोलते हैं। इसका प्रॉब्लम तो आसान प्रॉब्लम है, बट करने में बहुत लोग को दिक्कत भी आ जाते हैं। इसका बहुत सारा सोल्यूशन है। पहले इसको आपको चालू करके दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इसको चालू करता हूँ। देखिए, इसका रैम डिटेक्शन प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इसमें रैम सपोर्ट नहीं ले रही है। तो मैंने 2-4 तो रैम ट्राई कर लिया, तब भी एक ही प्रॉब्लम है। तो क्या होते हैं, रैम का जो सप्लाई वगैरह होते हैं उसके भी कुछ वोल्टेज वगैरह मिसिंग होने पर ऐसा बीप आवाज देता है, कॉन्टीन्यूस बीप देता ही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन, पहले मैं इसका थोड़ा वोल्टेज चेक करूंगा कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। देखिए, पहले इसका मल्टीमीटर का देखो एक प्रोब, इसका ग्राउंड में रखेंगे। रख दिया और इसका देखिए, इसका जो स्लॉट है, स्लॉट का इधर से एक नंबर पिन इधर से शुरू होता है और इधर आके 120 पिन खत्म होता है, और इधर से 121 से 240 पिन खत्म होते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा 2-4 वोल्टेज चेक करूँगा तो इसका प्रॉब्लम निकल जाएगा। देखिए, इसका एक चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, इसका DDR3 का सप्लाई कौन सा पिन में 1.5 वोल्ट, 51, 54, 57, 60, 62, ये जो पिन है रैम का, इसका सप्लाई मतलब VCC, इसका डाटा पिन देखिए 3, 4, 6, 7, 9, 10 इसका डाटा पिन है। और इसका SM डाटा है 3.3 वोल्ट 238 पिन में, और VREF DQ 0.7 वोल्ट 1 पिन में। और देखिए, SM क्लॉक 3.3 वोल्ट 118 मानी 118 पिन में। इसका VDD SPD जो 3.3 वोल्ट है 236 वोल्ट, और इसका देखिए VTT है 0.75 वोल्ट 120, 140 वोल्ट 140 पिन। और VREF CA 67 पिन में। तो इसका पहला में देखिए, इसका ज़्यादातर DDR3 का प्रॉब्लम क्या आता है, VDD SPD मिसिंग हो जाता है, इसका VDT मिसिंग होता है, इसका डाटा मिसिंग हो जाता है, SM डाटा, SM क्लॉक जो होता है इसको मिसिंग होता है, इसका सप्लाई भी मिसिंग होता है। पहले मैं इसका देखिए 1 VTT SM डाटा, SM क्लॉक को चेक करूँगा। ठीक है, तो इसको दोबारा चालू करते हैं। पहले इसका फैन को लगा लेते हैं, नहीं तो प्रोसेसर ज्यादा हीट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। लगा दिया, इसको चालू करेंगे। देखिए, इसका बीप आवाज आना शुरू कर दिया। तो इसमें मैं पहले चेक करूंगा 120 पिन। देखिए, 120 पिन, 120 नंबर पिन में देखिए 7.5 वोल्ट जो बोलता है VTT इसका अवेलेबल है। एबार 240 पिन में चेक करूँगा। देखिए, 240 पिन में भी इसका वोल्टेज चाहिए, और इसका देखिए मैं 238 नंबर पिन को चेक करूँगा। देखिए, 238 नंबर पिन में 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। इसका
चेक कर दिया, 118 नंबर पिन पे भी इसका चेक करके दिखाता हूँ। देखिए इसका 118 नंबर पिन पे इसका एसएम क्लॉक भी सही है। इसका सप्लाई देखिए, इसका डाटा 3 नंबर पिन में, 1, 2, 3 नंबर पिन में इसका डाटा भी सही है। और इसका सप्लाई भी चेक करके दिखाता हूँ। 51 नंबर पिन देखिए 51 नंबर पिन 1.5 वोल्ट भी अवेलेबल है। तो इसका सब वोल्टेज तो ट्राई कर लिया, तब में एक वोल्टेज बाकी है, तो देख लिया इसका VTT वोल्टेज बन रही है, SM क्लॉक, SM डाटा सब बन रही है, इसका VTT भी बन रही है, इसका डाटा भी बन रही है, इसका VDD SPD हम लोग अभी तक चेक नहीं किया। तो देखिए इसका 236 नंबर पिन में मैं ट्राई करता हूँ, इसमें भी 3.3 आना चाहिए, इसमें 3.3 नहीं है। देखिए इस पर 1.8 वोल्ट अवेलेबल है। तो इसका जो वोल्ट देखिए, इसमें कभी ज़्यादा कम जारी कम हो रही है। तो इसका देखिए, इसके एक सॉल्यूशन है, शॉर्ट सॉल्यूशन। तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। देखिए इसमें मैं इसको रख दिया, मैं ट्वीज़र से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें ये जो देखिए 3.3 वोल्ट का कनेक्शन है, इसमें मैं ट्वीज़र को लगा दिया, ठीक है। लगा दिया इधर से, 1, 2, 3, 4 मैंने 240, 39, 39, 38, 37, 36 में कनेक्शन दे दिया मैंने, ठीक है। पहले इसको एक बार देखिए ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद ये फिर से चालू करूँगा इसको। तो पहले ट्वीज़र को देखिए, ट्वीज़र को इसमें लगा दिया। तो लगा देने के बाद देखिए, इसको लगा देने के बाद मैं इसका लाइन चालू कर रही हूँ। इसका भी कोई बीप वगैरह नहीं है। तो पहले भी और एक बार से ठीक से दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक तार को इधर से इधर दे दिया, इसका भी चालू कर रहा है, ठीक है। देखिए इसका आवाज तो बंद हो गया, तो इसका डिस्प्ले भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर से बंद हो गया और फिर से चालू हो जाएगा। देखिए बंद हो गया, और फिर से बंद हो गया, फिर से चालू होगा। देखिए इसका अभी चालू हो जाएगा। देखिए इसका अभी चालू हो जाएगा। इसका भी डिस्प्ले भी चेक करके दिखाते हैं हम लोग। देखिए इसका डिस्प्ले भी दे दिया। तो इसका रैम वोल्टेज का भी VDD SPD मिसिंग था। तो इसका देखिए, इसका भी एक सॉल्यूशन है, इसका एक जम्पर करने से हो जाएगा। तो जम्परिंग भी मैं आसान भावे
आसान से दिखाऊंगा। देखिए इसको ऑफ करके देता हूँ, इसमें इसको हटा देता हूँ। देखिए इसका पीछे जाइए, देखिए ये जो दो नंबर जो पिन है ना, ये VDD SPD का पिन है। आप चाहे तो इधर से एक जम्पर लेके इधर का एक पिन से जम्पर भी कर दे सकते हैं, तो मैं इसे जम्पर नहीं करूँगा। मेरे पास एक आसान तरीका है। देखिए इसमें इसका इधर ये देखिए एक रजिस्टर है, इसका बगल में रैम का सॉकेट का बाजू में रजिस्टर, वो कट गया है। तो इसके इधर इतना 3.3 वोल्ट यही VDD SPD का लाइन है, इसका वोल्टेज इधर नहीं आ रही है। आपको तब भी लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को एक प्रोब लगा दिया, देखिए वोल्टेज में दे दिया, इसको चालू करता हूँ, देखिए चालू हो रही है। तो इसका देखिए इसका बगल में जो रजिस्टर है, इसके एक लाइन के इधर कितना वोल्टेज 3.3 वोल्ट आना चाहिए। देखिए इधर इसका 1 वोल्ट है। तो इसका जो दूसरे वाला लेग पे देखिए 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। तो मैं इसका इस रजिस्टर के ऊपर एक जम्पर कर दूँगा, ये इस पास से उस पास इधर से इधर एक जम्पर मार दूंगा, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए मैं इसका कर देता हूँ, थोड़ा देखते रहिए। देखिए दोस्तों इसको अभी ऑफ कर दिया, तो इसका रैम भी उखाड़ दिया मैंने इधर से, डिवाइस को भी देखिए जम्पर ही और मैंने हाथे ले लिया। देखिए इसको पहले इधर में थोड़ा सा इसको इधर से इधर थोड़ा सा जम्पर मारना है, इसलिए इसको देखिए मैंने दूसरा तो सोल्डरिंग आयरन लिया, इसमें इधर सोल्डर कर देता हूँ। पहले सोल्डर नहीं करेंगे नहीं तो इधर नहीं बैठेगा ठीक से। देखिए इधर सोल्डर कर दिया, अभी जम्पर करूँगा इसको। जम्पर मार दिया इसमें मैंने, अब इसको चाकू से काट देंगे। यह जम्परिंग कंप्लीट हो गया, अब इसको रैम को लगा देते हैं। अब इसको लाइन देंगे, देखिए दोस्तों ये घूमना भी चालू है, कोई आवाज वगैरह नहीं है, ठीक है।
एक बार ऑफ होके चालू होगा। इसका एक बार बस बार देखिए दोस्तों, ये चालू हो गया। तो हमें इसका डिस्प्ले भी दिखा देते हैं। देखिए मैं इसका डिस्प्ले भी अभी दिखा दूंगा। देखिए इस पर डिस्प्ले आ गया है। मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका डिस्प्ले आ गया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो तो मैं सॉल्व कर दिया। और इस मदरबोर्ड में तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम आता है, ऑटो रीस्टार्ट। जब चालू करूंगा रीस्टार्ट पे रीस्टार्ट होते ही चलेगा, इसका डिस्प्ले नहीं छोड़ता है, चलता नहीं है। ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। और ये डेस्कटॉप का गीगाबाइट का मदरबोर्ड में ज़्यादातर रैम सर्किट का प्रॉब्लम आता है, कोर का प्रॉब्लम आता है, आयो का प्रॉब्लम होता है इस मॉडल का बोर्ड में, इसका ज़्यादा। और इसका तो मैं इसका सोल्यूशन कर दिया। आप आज का इस यही था जो रैम सर्किट का वीडियो दिखाना था, इसलिए इसको बना दिया। और आज का वीडियो इतना ही। और किसी को कोई और दूसरा कोई जानकारी चाहिए व दूसरा कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। मेरे पास आएगा तो मैं करके दिखा दूंगा सॉल्यूशन। और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना। और नया नया वीडियो देखने मिलेगा आपको सब लोगों को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।